barbell cut. हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्लस वन क्लास के अंदर हमारी सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो तब फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी, जिसको डिस्कवर्ड किया था जे.जे. थॉमसन ने 1897 के अंदर। ठीक है भाई, तो तब हमने वहां से हमने क्या निकाला था, मास निकाला था, क्या था भाई, 9.11 × 10⁻²⁸ ग्राम। ठीक है, और ये मास नियरली इक्वल टू होता है 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है भाई, चलिए भाई, अब क्या कहता है कि अगर कहीं पर कोई नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा। मतलब कहने का मतलब कुलाम्स ने बता रखा है ना कि लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब बात उन्होंने ये बात सोची कि अगर नेगेटिव चार्ज है कहीं पर तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, तभी तो वो न्यूट्रल होंगे। ठीक है भाई, तो इसके लिए क्या हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन की। तो जो प्रोटोन था उसको डिस्कवर्ड किया था गोल्डस्टीन ने इन 1886 के अंदर उन्होंने डिस्कवर्ड किया। उन्होंने क्या की ली, उन्होंने भाई क्या ली, एक ट्यूब ली बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, और उसके ऊपर बेटा जिंक सल्फाइड को कोटिंग करवा दिया, जिंक सल्फाइड जो है आपके पास ZnS। जिंक सल्फाइड की सर्विन को क्या करवा दिया भाई, कोटिंग करवा दिया। यहां पर बेटा उन्होंने क्या रखा, एनोड को रखा पॉजिटिव एनोड, या फिर बेटा उन्होंने क्या रखा, परफोरेटेड कैथोड। मतलब क्या है, कुछ होल्स के अंदर उन्होंने गैस कैथोड के गैस को डाल दिया, इसको डाल दिया कैथोड गैस को कुछ होल्स के अंदर। ये बेटा आपका परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, फिर भाई उन्होंने इनको क्या कर दिया, हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया। ये बेटा आपका उसी तरह ना आपके पास वैक्यूम पंप और बेटा इसके अंदर उन्होंने क्या की, हाइड्रोजन गैस को पुट किया, H2 गैस एट लो प्रेशर। ठीक है, बहुत लो प्रेशर के ऊपर उन्होंने क्या किया, H2 गैस को यहां पर पुट किया। और उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने हाई वोल्टेज इसके अंदर पास आउट कर दी तो उन्होंने ये देखा कि इस एनोड के अंदर से कुछ रेज आ रही हैं जो कैथोड के अंदर से पास आउट होकर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इन्होंने इन रेज का नाम क्या रख दिया, एनोड रेज। इनको बेटा हम कैनाल रेज भी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या है, देखिए यहाँ पर होल के अंदर से पास आउट होके जा रही है। ठीक है, तो इसलिए वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, कैनाल रेज भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या थी डिस्कवरी। चलिए हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या कहता है भाई, फर्स्ट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वही प्रॉपर्टी सेम ऐसी है, दो तीन आपकी जो कैथोड के अंदर थी। ठीक है, क्या फिर क्या था भाई, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। क्या था, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है भाई, फिर क्या था बेटा, थर्ड बताइए, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, नहीं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, बेटा नेगेटिव फील्ड अप्लाई तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। फोर्थ इंटरेस्टिंग है बेटा, यहाँ पर जे.जे. थॉमसन ने चार्ज, जे.जे. थॉमसन ने बेटा क्या किया था, निकाला था रेशियो ऑफ चार्ज बाई मास।
ई अपॉन एम निकला था ना, उन्होंने क्या किया था, उस ट्यूब के अंदर अलग अलग गैस डाल ली थी और अलग अलग वैल्यू आई थी। लेकिन यहां पर बेटा ऐसी कंडीशन नहीं हुई, यहां पर क्या हुआ, जैसे जैसे हम गैस बदलते गए तो हमारे पास चार्ज बाई मास का रेशियो भी क्या आता गया भाई, अलग अलग आता गया। ठीक है, तो क्या देगा, डिफरेंट मास, सॉरी बेटा डिफरेंट चार्ज बाई मास। ठीक है, फिर भाई क्या कि बेटा जो वैल्यू थी चार्ज की, ठीक है, क्या द वैल्यू ऑफ चार्ज ई लिख देता हूं मैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट थी डिफरेंट गैस के लिए। फिर बेटा जो मास था वो भी क्या था भाई, डिफरेंट था, क्योंकि मास भी डिपेंड कर रहा था उस ट्यूब के अंदर जो गैस है उसके ऊपर। ठीक है भाई, तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टी थी, किसके बारे में प्रॉपर्टी थी भाई, आपकी डिस्कवरी ऑफ ए प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, तो फिर इसके लिए बेटा उन्होंने चार्ज बाई मास जो निकाला, किसका, वापस का इलेक्ट्रॉन का निकला था आपके पास, ठीक है, यहाँ पर निकाला तो बताइए कितना आया, 9.58 × 10⁴। ठीक है, अब तो मास निकालिए, तुम्हें क्या कहता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप चार्ज बाई मास से डिवाइड कर दीजिए। बताइए चार्ज कितना था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का सेम होता है, 1.67 × 10⁻¹⁹, तो 1.6 ले रखा है, डिवाइडेड बाई 9.58 × 10⁴। ठीक है, तो इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। ठीक है, क्या आ जाता है भाई, जब बेटा मास आ जाता है, किसका मास आता है, प्रोटॉन का मास, और बेटा प्रोटॉन का मास जो है वो एक हाइड्रोजन मास के इक्वल होता है, हाइड्रोजन का मास कितना आया था ना आपके पास, ठीक है, तो इसका मास किसके इक्वल हो जाता है, मास ऑफ हाइड्रोजन। बेटा यहां पर मैं लिख सकता हूं मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है भाई, तो क्या ये डिस्कस था आपका किसके बारे में, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, अब हम टाइम नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुआ, तो भाई न्यूट्रॉन भी डिस्कवर्ड होगा। ठीक है, तो क्या कहता है भाई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, छोटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम कर लेते हैं, तो कौन से साइंटिस्ट थे, जैसे मोसले थे 1913 के अंदर, उन्होंने पीरियोडिक टेबल बताई थी, एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो उनके साथ साथ फिर बात ये आई, तो हमारे चैडविक नाम के साइंटिस्ट जो थे, चैडविक 1932, उन्होंने बेटा हमें एक स्केटिंग एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर हम लाइटेस्ट एलिमेंट के ऊपर अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग करवा देते हैं, ठीक है, क्या कहता है कि जो लाइटेस्ट सब्सटेंस है अगर आप उसके अंदर अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग करवा दोगे तो आपके पास एक नया कंपाउंड बन के आएगा, और उस कंपाउंड के साथ एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा लेकिन उसका मास होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया, अल्फा रे थी, इसको मैंने बॉम्बार्ड करवा दिया बेरिलियम एटम के ऊपर। ठीक है,
तो ये क्या बन गया, कार्बन एटम, और एक और बन गया भाई आपके पास कार्बन एटम, ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन, ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई, न्यूट्रॉन। चलिए देखते हैं हम बात करते हैं, मास 4u भाई, इसका बेटा मास बताइए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो कितना हो जाएगा 8 9u होता है, ठीक है। चलिए एक बार बेटा चार्ज की बात कर लेते हैं हम, चार्ज इससे कितना हो जाएगा भाई +2, ठीक है, इसका बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, चलो इसको हम पहले लिख देते हैं, आपको समझने में अच्छे से आ जाएगा, फिर देखिए क्या होता है, इस पे चार्ज होता है +2, बेटा इसका जो मास है वो हो जाएगा 4u, इसका बेटा एटॉमिक नंबर बताइए क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम 4, मास बेटा 9u होता है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर भाई, कार्बन का 6, यहां पर बेटा सॉरी मास कितना आया 12, ठीक है। अब बेटा एक बार यहां पर चार्ज कितना है इसका, 0, कोई चार्ज है ही नहीं न्यूट्रॉन के ऊपर, मास अब देखिए 4 4 प्लस 9 13, इसका मतलब इसका मास कितना है भाई 1 2। देखिए एक ऐसा सब्सटेंस आया है जिसके पास चार्ज तो है ही नहीं लेकिन उसका मास है, ठीक है। क्लियर भाई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पर साइंटिस्ट ने बताया कि भाई एटम के अंदर एक ऐसा न्यूट्रल पार्ट भी है जिसके पास मास तो है लेकिन उसका चार्ज नहीं है, और ये जो मास है ये सारा मास नियरली इक्वल, ये मास इक्वल है प्रोटॉन के मास के, ठीक है। तो क्या जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो भी कितना होता है 1.67 × 10⁻⁴, बताइए कितना हुआ था आपके पास -24 ग्राम। लेकिन बेटा जो न्यूट्रॉन का मास है वो स्लाइटली हायर होता है, अगर हम पॉइंट से अच्छी तरह से अगर हम वैल्यू लेके आए तो वो स्लाइटली हायर होता है किससे, प्रोटॉन के मास से, ठीक है भाई, समझ में आ गई भाई ये बात। बेटा ये आपके पास क्या थी, डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर एटम के मॉडल, पहला जो मॉडल था वो जे.जे. थॉमसन ने दिया था, वो उन्होंने दिया था 1904 के अंदर, ठीक है। उन्होंने क्या बात बताई, उन्होंने ये बात बताई कि बेटा जो एक एटम है वो एक स्पीयर की तरह है, लाइक ए स्पीयर, ठीक है। क्या बताया भाई कि एटम है वो एक स्पीयर की तरह है, ठीक है, जिसके अंदर जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही उसके अंदर क्या है नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। और उन्होंने इस स्पीयर को कंपैरिजन कर दिया था वाटरमेलन के साथ, ठीक है। उन्होंने ये बात बताई कि भाई इसके अंदर जितने सीड्स एम्बेडेड है उतना ही इसके पास क्या है पॉजिटिव पार्ट, जिसका रेड पार्ट है वो इसके अंदर क्या है भाई पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया था कि क्या कि भाई जो एक एटम जो है वो ऐसा है जिसके अंदर जितना नेगेटिव पार्ट है उतना ही उसके अंदर क्या है पॉजिटिव पार्ट। तो क्या उन्होंने ये समझाने के लिए उसकी जो कंपैरिजन है वो एक वाटरमेलन के साथ कर दी, जिसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोल देते हैं, रेजिन मॉडल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो रेजिन शीट मॉडल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या उसके अंदर उन्होंने क्या बताया था कि एक वाटरमेलन के अंदर जितने बीज उसके अंदर धसे हुए हैं उतना ही उसका रेड पार्ट है, ठीक है, मतलब जितना नेगेटिव है उतना ही उसके अंदर क्या है पॉजिटिव है, ठीक है।
ठीक है, लेकिन इसमें तो ये लिमिटेशन आ गई ना कि वो ऐसा तो है ही नहीं कि वो जितना नेगेटिव उतना ही क्या है पॉजिटिव है। उल्टा इसके अंदर बहुत बड़ी लिमिटेशन आ गई स्टेबिलिटी की। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई कि वो क्या आई भाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हुई इसके अंदर, ठीक है, स्टेबिलिटी तो हुई नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट दिया था, जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बोल देता हूं मैं, आगे बता दूंगा बेटा इसके बारे में, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है भाई। देखिए रदरफोर्ड ने अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट दिया था, उन्होंने बेटा एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात की थी, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसके अंदर से हार्मफुल रेडिएशन रिलीज होती है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, जिसका डेली लाइफ में यूज, जिसका हम एक्सप्लोसिव के अंदर यूज करते हैं, जैसे हमें पटाखे होते हैं आगे वाले के अंदर आते हैं, ठीक है, गन पाउडर होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव का एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का हम यूज करते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये बेटा इसके अंदर क्या किया उन्होंने, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर क्या किया, अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट की। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे की बेटा उन्होंने क्या किया, लेड मेटल का एक ग्लोब ले लिया था उन्होंने, ठीक है, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम जो था उसको डाल दिया भाई, और बेटा यहां पर उन्होंने ले ली थिन फॉइल ऑफ गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम की, गोल्ड सिल्वर क्योंकि ये अलग अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर भी नहीं होते, ठीक है, तो ये ले ली भाई। और बेटा यहाँ पर उसने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन डाल दी, ठीक है भाई, क्या डाल दिए थे, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन डाल दी। अब बेटा क्या है, अगर किसी के अंदर से रेडिएशन आएगी तो वो हर जगह पे जाएगी, मान सपोज करके देख लीजिए आपके 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 रूम के अंदर है, या अगर हम टोर्च लगाते हैं तो हमें ऐसे दिखाई देता है हर जगह पे जा रही है, ठीक है भाई, सन तो है ना अर्थ के जितना हिस्सा है उसके सही सही पास है, इसका मतलब क्या है कि रेडिएशन फैल के जाएंगी पूरी तरह, रेडिएशन से वेव की फॉर्म में जाएंगी। तो अब क्या हुआ, इसकी इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर स्लिट्स की हेल्प ले ली भाई, ये स्लिट्स क्या करेंगे, इनको एक फाइन बीम दे देंगी भाई, ठीक है, कि भाई मतलब ये जो बीम है ये, सॉरी मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूं, ठीक है, ये आपकी क्या है स्लिट्स है, ये मैं यहां पर लिख देता हूं थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, ठीक है, तो उन्होंने बम्बार्डिंग करवाई, ये टाउन का अल्फा स्केटिंग, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या होगा, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व चलो याद कर लिख देता हूं मैं, हम ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जर्वेशन, तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जो ये रेडिएशन आई इसमें से 99.9% डायरेक्ट निकल गई भाई विदाउट डिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या आया, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट, ठीक है, क्या हुआ भाई कि बेटा वो, ठीक है, मोस्ट ऑफ पार्टिकल बेटा डायरेक्ट आ गई विदाउट विदाउट डिफ्लेक्शन,
ठीक है भाई, क्या हुआ कि डिफ्लेक्शन के बिना वो सीधी आ गई भाई, ठीक है, डायरेक्ट आ गया आपके पास। फिर बेटा क्या देखा कि डायरेक्ट आ गई यहां पर आपके पास। फिर उन्होंने क्या देखा कि कुछ है ना स्मॉल एंगल पे डाइवर्ट हो गई भाई, ठीक है, ये मैं फर्स्ट कर देता हूँ, लिफ्ट मैं सेकेंड कर देता हूँ। क्या देखा कि कुछ रेडिएशन स्मॉल एंगल पे डाइवर्ट होगी, सम अल्फा रेज डिफ्लेक्ट थ्रू डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, ठीक है, और फिर कुछ रेज उल्टा वापिस बैक हो गई, ठीक है, वेरी फ्यू अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड बैक। क्या कहता है कि कुछ रेज टकराई और वापिस आ गई, मतलब क्या कहता है कि भाई रेज आई, ठीक है, टकरा के कुछ तो सीधे डायरेक्ट निकल गई पास आउट, कुछ थोड़े एंगल के ऊपर डाइवर्ट होगी, और क्या हुई टकरा कर वापिस बैक हो गई, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं भाई, इस ऑब्जर्वेशन से हमने कंक्लूजन निकाला कि भाई ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए बेटा हम कंक्लूड करेंगे, हमने कंक्लूजन निकाला कि भाई क्या कंक्लूजन है इसके अंदर, देखते हैं अभी हम। तो कहते हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन, कि भाई बहुत से अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के पास आउट होंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई वहां पर कुछ ना कुछ जगह है। चलिए बात करते हैं बेटा, आपके पास आपका बैग है और आपको ये पता है कि आप क्लास के अंदर 5 बुक लेके जाते हो, ठीक है, और आपके बैग में आती उतनी है, ठीक है, इसका मतलब उनका स्पेस है कि वह इतना ही स्पेस होगा उसके अंदर, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो उसी प्रकार क्या बताया कि भाई इसका मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए ऐसे एटम है, ठीक है भाई, एटम से उठा ऐसे, तो क्या कहता है कि सभी स्टेट गई भाई, सभी रेज आपकी क्या हुई भाई कि उठा स्टेट गई, इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस है। क्या है भाई वहां पर कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस है। सेकंड, सम रेज डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, कि भाई कहता है कुछ रेज, देखिए दूसरा डायग्राम बनाता हूं मैं एक बार का, सेकंड, कुछ रेज अंदर आई और डिफ्लेक्ट हो गई भाई, ये देखिए बेटा एक बार ध्यान से, थोड़ा बाहर निकाल देता हूं मैं, क्या कहता है कुछ रेज आई लेकिन डिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब भाई उसके अंदर कोई पॉजिटिव पार्ट है। क्या है पॉजिटिव पार्ट इनसाइड द एटम, कि भाई एटम के अंदर कोई पॉजिटिव पार्ट है। अब हमें कैसे पता चला, देखिए बेटा अल्फा रेज, अभी मैंने पीछे भी पढ़ा था सेकंड लेक्चर के अंदर, अल्फा रेज के पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना, +2 चार्ज होता है, जिसका मतलब कि भाई ये पॉजिटिव पार्ट जब यहां पर आया तो यहां पर पॉजिटिव था, तो इसके पास आने की वजह से ये क्या हो गया, यहां से निकल गया, ठीक है। अगर बेटा नेगेटिव होता तो इसको क्या कर लेता, दोनों के बीच में अट्रैक्शन कॉम्बिनेशन हो जाता, ठीक है। चलिए बेटा थर्ड, उन्होंने बात बताई कि ये पॉजिटिव पार्ट हैवियर है, हैवियर पॉजिटिव पार्ट, क्या कहता है भाई कि कुछ रेज आई लेकिन टकरा के वापिस आ गई, इसका मतलब कि भाई ये पॉजिटिव पार्ट है, ये इससे हैवियर है, तो ये क्या हो जाएगा बैक। अगर मान लीजिए मेरी ये कैप है, ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, अगर बेटा मैं इसको यहां पर देखिए ऐसे मारता हूं तो ये बैक आती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पॉजिटिव पार्ट है वो उसके अंदर हैवी है, हैवी पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। तो इसके बेस पर उन्होंने रिजल्ट निकाला कि उन्होंने भाई
रदरफोर्ड ने क्या नतीजा निकाला कि भाई एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके पास कोई प्लस चार्ज है, ऐसा कोई पार्टिकल है जिसके पास प्लस चार्ज है और उसको हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियस, उसका वॉल्यूम बहुत स्मॉल है, ठीक है। फिर बेटा उन्होंने सेकंड निकाला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, क्या भाई एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कि भाई इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई स्पेस है, स्पेस थ्रू इलेक्ट्रॉन रिवोल्व, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भाई रिवोल्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या था, उन्होंने क्या बात बताई कि भाई कोई न्यूक्लियस है, कोई पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, उसका स्मॉल बहुत कम, उसका वॉल्यूम स्मॉल है, ठीक है, और उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, उसके बाहर कोई पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास क्या थे, दो मॉडल थे आपके, कौन कौन से भाई, जेजे थॉमसन मॉडल और बता रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। मैंने आपको बताया रदरफोर्ड ने कब किया, तो बेटा ये आप ये किया 1911 के अंदर, ठीक है। उन्होंने कब किया था भाई 1904 के अंदर, किसकी उन्होंने किया था जेजे थॉमसन ने, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास दो मॉडल है, ठीक है। बाकी बेटा जो हम हमारा जो बाकी जो हमारे मॉडल बचते हैं या और जो टॉपिक है उसको बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।